बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि ऋषभ पंत की कार एक्सीडेंट वाली जगह एक बार फिर हादसा हो गया है। बता दें कि कार सवार चार दोस्त घायल हो गए हैं। ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ था, वहीं फिर एक बड़ा हादसा हो गया है। कार आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर डिवाइडर तोड़ते हुए हाईवे पर जा पलटी और हादसे में कार सवार चार दोस्त घायल हो गए हैं। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, साथ ही घटना की जानकारी उनके परिजन को दी है। बता दें कि दिल्ली से घर लौटते समय 30 दिसंबर को नारसन कस्बे के पास क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार मोहम्मदपुर जट के पास हाईवे पर जाकर हादसे का शिकार हो गई थी और इसमें ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और ऐसा ही खबर सामने आ रहा है जहां बुधवार दोपहर एक बार फिर इसी जगह दिल्ली की ओर से आ रही एक कार आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसमें इस टक्कर की वजह से इतनी भीषण थी जिसके वजह से रोडवेज की बस से टकराने के बाद कार डिवाइडर तोड़ते हुए हाईवे पर दूर तक घिसटती चले गए और हादसे के बाद घटना स्थल पर लोगों की भीड़ लग गई है। जी हाँ, बता दी कि हाईवे पर जाम लग गया और राहगीरों ने कार सवार लोगों को बाहर निकाला और घटना की सूचना पुलिस को दी। बता दें कि सूचना के बाद पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, कार को क्रेन के जरिए साइड कराया गया और कोतवाली प्रभारी मनोज मेनवाल ने ये बताया कि हादसे में चारों दोस्त घायल हो गए और घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है।